गाइस, जब कभी भी हम मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ख़रीदते हैं तो हम उस पर लिखी एक्सपायरी डेट देखते हैं और MRP, क्योंकि ज़्यादातर लोग का कहना होता है कि एक्सपायरी हो चुकी दवाइयों को नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी होने के बाद दवाइयाँ जहर बन जाती हैं। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है, आज हम जानेंगे। क्या एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ जहर बन जाती हैं? दवा की एक्सपायरी डेट का क्या मतलब होता है? यह सवाल भी बहुत से लोगों के मन में घूमता है। जैसे आपको पता है कि दवाइयाँ बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई रहती हैं। इन केमिकल मॉलिक्यूल्स की अलग अलग लाइफ और पोटेंसी, मतलब प्रभाव होता है। जब भी कोई कंपनी दवाई मैन्युफैक्चर करती है तो उस समय की उसकी पोटेंसी चेक की जाती है कि वह कितने समय तक असरदार रहेगी। पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी वह तारीख जिस दिन यह दवा बनी थी, और एक्सपायरी डेट यानी किस तरह तक बाद इस दवा के प्रभाव की गारंटी उसे बनाने वाली कंपनी नहीं लेगी। एक्सपायरी डेट मेडिसिन को खाना मना किया जाता है। अगर देखा जाए तो बहुत सी दवाई ऐसी होती हैं जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती हैं, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है, लगभग 25%। लेकिन इसके साथ ही साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट 15 मार्च है तो अगर 16 मार्च को खाएंगे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, उस मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस पोटेंसी कम हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट हों। एक ख़ास बात यह है कि मेडिसिन के मॉलिक्यूल जहरीले नहीं होते, बल्कि उन मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए मिलाए जाने वाले प्रिजर्वेटिव जहरीले होते हैं। आपको एक बात और बता दें कि कुछ दवाइयां जो कॉमनली यूज़ होती हैं, उन पर दवा कंपनी एक्चुअली ख़राब होने की डेट के पहले की एक्सपायरी डेट प्रिंट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई एक्सपायरी मेडिसिन खा भी ले तो वह अपनी पोटेंसी लूज ना करे।